नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, हाल ही में विनू माकन ट्रॉफी खेला गया। विनू माकन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 6 विकेटों से हराकर खिताब अपने नाम किया। हरियाणा ने शानदार प्लेयर्स के लगातार बेहतर प्रदर्शन से खिताब जीता, लेकिन कुछ ऐसी भी टीमें रहीं जिनके पास धुरंधर खिलाड़ी होने के बावजूद वह टीमें लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन BCCI ने चैलेंजर्स ट्रॉफी में कुछ ऐसे शानदार प्लेयर्स को भी मौका दिया है जिनकी टीम टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उन प्लेयर्स को जिन्हें टीम में रखा गया है उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करा था। एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले बिहार से। बिहार ने विनू माकन ट्रॉफी में महज एक ही मैच जीता था और इसके बावजूद कप्तान श्रमण निग्रोध को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए इंडियाई टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा विदर्भ से मोहम्मद फैज और दानिश मलेवर को टीम में रखा गया है। चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए बंगाल से 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें अभिषेक पोरेल, अमृता राज उपाध्याय, रवि कुमार और देवो प्रतिम शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा से सुशील के बारिक और एस स्वैन को टीम में जगह दी गई है। दोस्तों, आगे जिन स्टेट से अपडेट आएंगी मैं आपको लगातार से शेयर करता रहूंगा गाइस। दोस्तों, BCCI ट्रायल या फिर टूर्नामेंट से जो भी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं या फिर स्क्वाड तैयार होकर आ रही हैं वो मैं दोस्तों आप लोगों को लगातार से टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूं। तो गाइस, आप हमें टेलीग्राम पे भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।